प्रशासन गांव के संग अभियान आम जन के लिए राहत लेकर आया। शिविर के दौरान वर्षों से अटके काम हाथों हाथ हो रहे हैं। भूमि का आवंटन हो या घर का पट्टा या फिर हो परिवार की पेंशन, शिविर में 22 से अधिक विभाग एक ही छत के नीचे बैठकर अपने अपने विभागों की योजनाओं से ग्रामीणों को कर रहे हैं लाभान्वित। अजमेर जिले में जहां प्रभारी सचिव अर्पणा अरोड़ा ने गोविंदगढ़ तिलोनिया व थल पंचायत में शिविरों का जाकर निरीक्षण किया, वहीं प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने भी सावर व तिलोनिया में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित प्रतिदिन शिविरों में पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। एक ही छत के नीचे 22 से अधिक विभाग अपनी अपनी विभाग की योजनाओं से ग्रामीणों को कर रहे हैं लाभान्वित। कोई वंचित रह गया है तो ये शिविरों का कार्यक्रम 12 दिसंबर तक है, उस दौरान भी आप लगा सकते हैं। शिविर में लगाने से फायदा ये है कि जो प्रक्रिया का जो टाइम था वो कम लगेगा और तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो जो मुख्य आबादी में तो लगभग जैसा सरपंच साहब बता रहे हैं कि सभी को पट्टे मिल चुके हैं या उनके आवेदन लग गए हैं, कोई हो तो आप। दिनांक 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक प्रदेश में 885 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें से अजमेर जिले में 30 शिविरों का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट को देखें तो अजमेर प्रथम पायदान पर नजर आता है। अजमेर जिले में आम जन को राहत पहुँचाने के लिए 22 से अधिक विभागों ने प्रशासन गाँव के संग अभियान में जो तत्परता दिखाते हुए राहत पहुँचाई, उसी का परिणाम है कि 29 जिलों की प्रगति रिपोर्ट में अजमेर जिला प्रथम पायदान पर है। अजमेर जिला प्रथम पायदान पर होने का मुख्य कारण यह है कि अजमेर जिले में जिला कलेक्टर हो या जिले के आला अधिकारी, सभी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रतिदिन शिविरों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बावता ग्राम पंचायत में रात्रि 7:30 बजे पहुंचकर शिविर का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की मांग पर गांव में आबादी भूमि के विस्तार के प्रस्ताव का अनुमोदन हाथों हाथ किया। ग्राम पंचायत बावता के ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहली बार देखा है कि कोई जिला कलेक्टर इतनी रात को गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। आवाज़ राजस्थान की को अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि शिविरों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का हाथों हाथ निस्तारण किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने हाथों हाथ ही मौका रिपोर्ट लेके हाथों हाथ ही सेंक्शन करवा दी और जल्दी म्यूटेशन ग्राम पंचायत भावता को हो जाएगा इसका, और जो वापस ग्रामवासियों ने आवेदन करा उसको वापस पट्टे दिए जाएंगे हाथों हाथ ही। कितना बीघा खेत कहाँ थी? ये मेजिदिया में भी दिया एक खसरा और 3 खसरा ग्राम भावता के अंदर आसपास में, जैसे नदी के पास में, गुजरों के बाड़ों में है।